जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जैसे कि सर्वविदित है, आप लोगों ने अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि विगत दो दिन पूर्व मेरे घर पर कुछ असामाजिक तत्वों, जिन्हें मैं लिखित रूप से FIR में जिनका नाम दर्ज कराया हूं, और 20-25 अन्य लोग जो मुझ पर जानलेवा हमला किए, और हमला करने के बाद सीताराम डेरा थाना में जाकर एक महिला के द्वारा छेड़खानी का आरोप मेरे बड़े भाई के ऊपर लगाया, और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक छुटपुटिया नेता शैलेश गुप्ता के द्वारा जो इस घटना की अगुवाई कर रहा था हमलावरों के साथ थाने में, उन्होंने ये कहा कि जम्बू अखाड़ा के प्रांगण में बंटी सिंह के साथ असामाजिक तत्वों के लोग बैठते हैं, रहते हैं, और आते जाते महिलाओं के साथ, बस्ती के लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कहीं ना कहीं ये मामला जो है इस मंदिर के छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसके पूर्व में भी विगत 2008-09 में इस मंदिर प्रांगण में कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिनका हम लोगों ने विरोध किया था। उस मामले में भी शैलेश गुप्ता आकर मारपीट किया था, हाथापाई की थी, और सीताराम डेरा थाना में मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया था कि रामनवमी का चंदा रंगदारी के रूप में मांग रहे हैं, और रामनवमी भी ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त। 54 वर्ष के स्वर्णिम कालखंड में जम्बू अखाड़ा का आज तक पूरे जमशेदपुर में किसी प्रकार का रंगदारी का मामला नहीं है, किसी प्रकार का छेड़खानी का मामला नहीं है, और इस तरीका से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शैलेश गुप्ता के द्वारा मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह श्रद्धालुओं का केंद्र है, भक्तों का केंद्र है, भक्त निर्भीक होकर अपने बच्चों के परिवार के साथ, महिलाएं के साथ इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। मैं एक चुनौती के साथ, प्रशासन को एक चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे मंदिर के, हमारे अखाड़ा समिति के सभी सदस्यों का निम्नांकित रूप से मैं नाम दे दूंगा, उनका आधार कार्ड साथ में दूंगा, उनका एड्रेस दे दूंगा, आप उनको उठा करके उनका मेडिकल जांच करवा लें और उनका आपराधिक चरित्र को जांच करवा लें। अगर एक भी लड़का शराबी, ब्राउन शुगर या गंजेड़ी या आपराधिक मामला का निकलेगा तो मैं स्वयं जेल जाने को तैयार हूँ, आपराधिक चरित्र को जांच करवा लें। सभी लोग किसी न किसी मामला में अपराधी हैं, किसी न किसी मामला में ब्राउन शुगर के मामला में है, शराब के मामला में है। विशेष रूप से मैं इस मामला में राकेश कोहली, जो ब्राउन शुगर का धंधा करता है, वो कल परसों रात में चितगोड़ा थाना में पकड़ा गया था, लेकिन कल इन्हीं लोगों के दबाव से सिद्धगोड़ा थाना में उन्हें छोड़ दिया गया। आखिर क्यों इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कौन बड़े नेताओं का हस्तक्षेप है, किनका हाथ है इनके ऊपर, ऐसे कौन बड़े नेता हैं जो इनके ऊपर अपना संरक्षण प्राप्त है इनको? आए दिन आप पता कर सकते हैं, शैलेश गुप्ता के अगल बगल पड़ोसी
से उनका आए दिन मारपीट होता है। आप उनका सर्वे करा ले और इस क्षेत्र के सभी महिलाओं से, बस्तीवासियों से, आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तों से आप सर्वे करा ले कि कभी उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ हुआ हो। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, विगत 6 महीनों का आप चेक करा लीजिए। और साथ ही साथ इस मंदिर प्रांगण में धार्मिक के साथ सामाजिक कार्यों का भी आयोजन होता है, हजारों के संख्या में लोग जुटते हैं। दुर्गा पूजा, रामनवमी के साथ साथ छठ, कर्मा, सरहुल, ऐसे अवसर पर शिविर लगाया जाता है। कभी किसी महिलाओं ने किसी प्रकार का छेड़छाड़ का मामला या किसी प्रकार का चोरी चमारी किसी प्रकार का मामला नहीं आया। मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जिला के महानगर के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव जी का उनको लिखित एक कंप्लेन करूंगा कि ऐसे भाजपा के नेताओं को, जो भाजपा की धूमिल को, छवि को खराब कर रहा, वैसे लोगों को अविलंब निलंबित करें। आज तक हमारे अखाड़ा परिसर में किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं हुआ है, हमारे अखाड़ा के किसी सदस्य में के ऊपर किसी प्रकार का मामला नहीं हुआ। अचानक जो लोग हमारे ऊपर हमला किया, एक पारिवारिक मामला था, उसको तुल पकड़ा करके कुछ राजनीतिक लोग इसको थाना में अगुवाई करके मामला को बढ़ा दिया गया। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।